हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इनपुट आउटपुट इन स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आगे है आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। द डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर वेल कनेक्टेड टू द सीपीयू विद द हेल्प ऑफ वायर्स एंड केबल्स। सम ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस हैव वायरलेस कनेक्शन विद द कंप्यूटर। द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिलो। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की पेरिफेरल डिवाइसेस सीपीयू से तारों या केबल के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ी हुई रहती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जो बिना वायर या बिना केबल के कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसर, इनको प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ कुछ डिवाइसेस दे रखी हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। सीपीयू, ये हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। आउटपुट डिवाइसेस जो मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये दोनों हमारे आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। आइए पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। द डिवाइस दैट हेल्प द यूजर्स टू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर एज एन इनपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज। दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप टेस्ट, कमांड्स और एनी अदर वे दैट अ कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेज लाइक वॉइस रिकॉर्डर, स्कैनर, पॉइंटिंग डिवाइसेज लाइक माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, लाइट गन एंड मैनी मोर। वह डिवाइसेस जो यूज़र की सहायता से डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यह निर्देश, टेस्ट, कमांड या कोई भी अन्य तरीके से हो सकता है जिसे कंप्यूटर समझने में समर्थ हो। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ दे रखा है, जैसे कि कीबोर्ड है, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस है, वॉइस रिकॉर्डर है, स्कैनर है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, लाइट गन और भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइस होती हैं जो कि हमारी इनपुट डिवाइसेस में ही आती हैं। यहाँ कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ द यूजर्स टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की ऑन अ कीबोर्ड, सच एज अल्फाबेट कीज, नंबर की, फंक्शन की, कंट्रोल कीज एंड स्पेशल पर्पस की। ईच कीज हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस एंड द प्रोग्राम्स अ टास्क बेन प्रेस्ड। द लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड इज़ सिमिलर टू अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर विद सम एडिशनल की प्रोवाइड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर को कीबोर्ड की बटन को दबाकर इनपुट देता है। कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज़ होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की जो कि ए से लेकर जेड तक होती है, नंबर की जो कि ज़ीरो से लेकर नाइन तक होती हैं, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती हैं, कंट्रोल की जैसे कि इंसर्ट, डेल और स्पेशल की जैसे कि कैप्स लॉक, स्पेस बार। नेक्स्ट है आपका इसमें माउस। अ माउस इज़ अ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द विंडो स्क्रीन। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर एंड सेंड द सिग्नल ऑफ द सीपीयू। इट हैज़ टू बटन्स नेम एज लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ व्हील इन बिटवीन दीज टू बटन्स। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग गेम्स अलॉन्ग विद सेलेक्शन ऑफ वेरियस आइकन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस एक कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है। यह स्क्रीन पर एक पॉइंटिंग के रूप में हमें शो होता है। इसमें दो बटन होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और उन दोनों बटन के बीच में एक पहिए जैसी बटन होती है जिसे घुमाकर हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट या ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती क्या हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो हमारा होता है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। यह है कंप्यूटर की एक बहुत सबसे बड़ी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द मेजर डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर दैट हैंडल ऑल द ऑपरेशंस अकरिंग इन द सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कंप्यूटर। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर।
एंड डज ऑल काइंड ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इट गेट्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट एंड गिव द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस. CPU कंप्यूटर की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. कंप्यूटर में प्रत्येक एक्शन को लेने के लिए CPU रिस्पॉन्सिबल होता है. CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. प्रोसेसिंग होने के बाद इनपुट कंप्यूटर को जब इनपुट दिया जाता है तो उसके बाद CPU में ही उसकी प्रोसेसिंग होती है और यह बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को या जितनी भी कठिन से कठिन कैलकुलेशन होती है उसको आसानी से सॉल्व कर देता है और आउटपुट के रूप में हमें आउटपुट डिवाइस द्वारा जो रिज़ल्ट होता है वो हमें प्रदान करता है. नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस. द आउटपुट डिवाइसेस दैट हेल्प द यूजर्स टू गेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर एज एन आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. दिस रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी विच इज़ यूज फॉर फ्यूचर रिफ्रेश एंड मोर एवर दीज आर इन ह्यूमर रीडेबल फॉर्मेट. जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वह डिवाइसेस जो कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करके हमें आउटपुट प्रदान करती हैं आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं. जो रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी हो सकता है, हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकता है. अगर वह हार्ड कॉपी के रूप में है तो यूज़र उसे आसानी से संग्रहित करके फ्यूचर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से संग्रहित कर सकता है. यहाँ कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर आर सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आप लास्ट वीडियो थी जो मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम. आई होप ये आपने कर लिया होगा आसानी से. आज के लिए आपका होमवर्क है सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म IPO साइकिल. इसमें हमें इनपुट प्रोसेस और जो आउटपुट की साइकिल होती है उसके बारे में उसको डिफाइन करना है कि वो कैसे होती है. एंड सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेसिंग डिवाइसेस. ये दोनों क्वेश्चन आज के होमवर्क में आपको करने हैं. आज के लिए बस इतना ही. आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको आज का टॉपिक. सो आज के लिए बस इतना. धन्यवाद.